Assalamualaikum, this is Mahakul, a first-year MBBS student. So, here is the video in which I'll tell you that how you guys should cover your first-year and second-year syllabus within two and a half months. बट बिफ़ोर डेट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि मैं आपके साथ आज अपने नोट्स का लिंक शेयर कर रही हूँ वो नोट्स जो मैंने अपने एमडिकेट के टाइम में बनाए थे और साथ ही साथ मैं आज की वीडियो में जो टाइम टेबल डिस्कस करूँगी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके नाव लेट्स कम टू द टॉपिक सो एज़ यू ऑल नो कि एमडिकेट की डेट आ गई है जो कि ट्वेंटी सेवन ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री है तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये बहुत जल्दी की डेट आ गई है दिज एंड डेट आपको बस क्या करना है यू जस्ट हैव टू डी डू योर बेस्ट ओके बस आपने अब मेहनत करनी है ये आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है बट बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है अगर इसको आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया देन इनशा इनशा यू विल सक्सीड एंड वन मोर थिंग आपको इस टाइम पीरियड में बहुत सी फेक चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा लाइक फेक रूमर्स वगैरह लाइक पी एम सी आ गई पी एम डी सी आ गई ये हो गया वो हो गया चाहे पी एम सी आए चाहे पी एम डी सी आए आपको अपना हंड्रेड परसेंट देना है और बस ये करना है कि पी के पेज पर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसे फॉलो करना है सो गाइज आई हैव मेड अ टाइम टेबल स्पेशली फॉर सिंध स्टूडेंट्स क्योंकि कराची में जो एफ एस सी के एग्ज़ाम्स हैं वो सिक्सटीन जून तक कम्प्लीट हो रहे हैं तो उसके बाद जो कमिंग डेट्स हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल प्लान किया है और ये टाइम टेबल बिल्कुल उसी तरीके का होगा जिस तरीके का टाइम टेबल मैं अपने टाइम में फॉलो करती थी एंड आई नो वेरी वेल के एक दिन में आप कितना टास्क कंप्लीट कर सकते हो एंड यस इट विल वर्क फॉर यू ओनली जब आप इसको प्रॉपर वे में फॉलो करोगे सो हेयर इज़ द टाइम टेबल विच स्टार्ट फ्रॉम एटीन जून क्योंकि सिक्सटीन को आपके एग्जाम ख़त्म होंगे एक दिन आपका रेस्ट का होगा एज़ यू नो कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे तो आप एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाओगे इसके अलावा 17 जून जो आपके पास दिन होगा उसमें आपने एक मॉक टेस्ट भी देना लाजमी है ऑल राइट right, तो मैंने इस टाइम टेबल में फ़ाइव कॉलम्स बनाए हैं बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आपने साथ साथ करनी है जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा होगा उसमें लेकिन मैंने बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है इस टाइम टेबल में तो so 18 जून को आपने करना है सेल स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये आपके दो टॉपिक हो जाएंगे 18 में अब आपने करना किस तरीके से होगा सारे टॉपिक्स को आपने सबसे पहले हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है उनके लेक्चर्स लेने हैं एंड देन उसी दिन आपने उसके एम करने होंगे उसी टॉपिक के जैसे आप पहले दिन करेंगे सेल स्ट्रक्चर इंड फंक्शन बायो में एंड इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री में करेंगे दोनों टॉपिक्स करने के बाद उसी दिन रात को शाम को जब भी टॉपिक आपका कंप्लीट होगा फौरन से आपने एम करने हैं फिर नेक्स्ट डे आप करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ये दोनों टॉपिक्स करने के बाद फिर इसके एम करेंगे फिर इसके बाद आप ट्वेंटी जून को करेंगे एग्जाम्स वाला टॉपिक एंड फोर्स एंड मोशन फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर आपका एक ही दिन में कम्प्लीट नहीं होगा इसको मैगजिमम आपको दो दिन लगेंगे तो आप ये दो दिन में करेंगे और इसी दो दिन के अंदर आपको तीन टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं जैसे कि 20 एंड 21 जून को आपने एंजाइम्स भी करना है बायोडाइवर्सिटी भी करना है फोर्स एंड मोशन भी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ इनके एम भी करने हैं लाजमी 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 एम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वो नहीं करोगे सिर्फ लेक्चर्स लेते रहोगे तो फिर एंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अच्छा अब मैंने आपको बताया ना जो आपका सेवनटीन जून वाला है देखिए फोर्स एंड मोशन जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेशंस करनी होगी बहुत कुछ करना होगा तो 17 जून जो आपके पास एक आ, फ्री डे होगा उसमें आप एक मॉक टेस्ट तो देंगे साथ साथ आप कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस कर लेना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कैलकुलेशन आपको लाजमी आनी चाहिए फिर ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री जून को आपने करना है प्रो एंड गेसियस एक्सचेंज बायो को प्रिपेयर करने का जो बेस्ट मेथड है वो है कि आप पहले लेक्चर लें उसके बाद रीडिंग करें एंड देन उसके एम सी क्यूज़ करें तो आपने इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स एंड गेसियस एक्सचेंज के लेक्चर्स लेने हैं फिर उसकी रीडिंग करनी है अगर आप लेक्चर्स लिए ले बगैर रीडिंग करके सेटिस्फाइड हैं तो ये अच्छी बात है आपका टाइम सेव होगा आप फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं लेक्चर्स लें रीडिंग करें एंड देन उसके एम सी क्यूज़ करें एम सी क्यूज़ मैक्मम आपको हंड्रेड या टू हंड्रेड करने चाहिए इससे ज़्यादा नहीं हंड्रेड भी बहुत है इनफ हैं हंड्रेड एम सी क्यूज़ भी अगर आप एक टॉपिक के करते हैं तो वो आपका प्रिपेयर हो जाता है फिर सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो आपके आ जाएंगे ये वाले टॉपिक इसे भी आपने इन्हीं दोनों दिनों में कंप्लीट करना है सॉलिड लिक्विड एंड गैस इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि पी के सिलेबस में हैं लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री जून को इसे कंप्लीट कर लो देन उसके बाद आते हैं ट्वेंटी फोर जून को वहाँ पर आपने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक करना है बायो में ही और इसी के साथ साथ आपने रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट कर देना है और रोटेशन सर्कुलर मोशन के टॉपिक को भी आपने टू डेज देने हैं ऐसे कर सकते हैं कि आप ट्वेंटी फोर जून को ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें और इसके बाद ट्वेंटी फाइव जून को आप इसके एम सी क्यूज कर लें और ट्वेंटी फाइव जून को आपने ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक भी यानी कि इन दो दिनों में आपने तीन टॉपिक कवर करने हैं नंबर वन इज न्यूट्रीशन ट्रांसपोर्ट और इसके बाद साथ साथ ही रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन फिर ट्वेंटी सिक्स जून को आपने किंगडम एनीमेलिया एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉपिक करने हैं अब आप सोचेंगे किंगडम एनीमेलिया तो इतना बड़ा टॉपिक है कैसे कवर होगा तो ये बहुत बहुत ही ईजी तरीके से कवर हो सकता है आपको डिफरेंट चार्ट्स वग़ैरह मिल जाएंगे आ, इंटरनेट पर आप वहाँ से फाइलम को प्रिपेयर कर सकते हो आपको वैसे भी फर्स्ट ईयर में आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है कि एग्ज़ैम्पल फाइलम के फ़ीचर्स ये सब लिखे हुए होते हैं तो आप इजीली सारे फ़ाइलों को उन चार्ट्स वगैरह से प्रिपेयर सकते हो बहुत ज़्यादा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं डीपली नहीं है इतना आता आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड फाइलम के फीचर्स वगैरह याद होने चाहिए फिर chemical equilibrium भी के साथ करना है। फिर 27 जून को आपने करना है एवोल्यूशन एंड केमिकल बॉन्डिंग फिर आपके पास दो जो दिन है ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी नाइन जून इसमें आपने वर्क एंड एन एनर्जी वाले टॉपिक को कवर करना है साथ ही साथ जब आप ये दो इन दो दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे ना तो आपका जो पिछला टॉपिक रहता होगा जो आपने जितने भी पढ़ लिए हैं केमिस्ट्री में भी जितने भी पढ़ लिए हैं एंड बायो में भी जितने भी पढ़ लिए हैं आपका इसमें कुछ भी रहता होगा किसी भी टॉपिक के एम सी क्यूज रहते होंगे या कोई लेक्चर लेता होगा इन्हीं दोनों दिनों में आपने वो भी कवर करने हैं साथ साथ सबको ले कर चढ़ना है फिर थर्टी जून में आपने क्या करना है थर्मोकेमिस्ट्री एंड वेव्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर देना है वेव्स वाला जो टॉपिक है वो आपने थर्टी जून फर्स्ट जुलाई एंड सेकेंड जुलाई तक करना है तो जब आप वेव्स वाला टॉपिक तीन दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे इसके साथ साथ ही आपने केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री और रिएक्शन काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट करना है एंड बायो में आपने रिप्रोडक्शन का टॉपिक करना है तो इस तरीके से टोटल आपके कितने टॉपिक्स हो जाएंगे पाँच टॉपिक्स कैसे नंबर वन इज़ थर्मोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री के दो और टॉपिक्स तो ये तीन टॉपिक्स हो गए केमिस्ट्री के एक हो गया फिज़िक्स का फोर एंड एक हो जाएगा रिप्रोडक्शन बायो का तो तीन दिनों में आपने पांच टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं वेव्स वाले को आपने तीन दिन लाजमी देने हैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक होता है फिर थ्री जुलाई को आपके पास एक फ्री डे होगा जिसमें आपने प्रीवियस जो भी टॉपिक्स आपके रहते होंगे उन्हें कंप्लीट करना होगा ताकि फिर आगे के टॉपिक्स आप साथ साथ कंप्लीट कर सकें अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि आपको अब स्ट्रेटेजी समझ आ चुकी होगी ओके सो फोर एंड फाइव जुलाई को आपने क्या करना है बायो में सपोर्ट एंड मूवमेंट कंप्लीट करना है एंड फिज़िक्स में थर्मोडानेमिक्स करना है सिक्स एंड सेवन जुलाई को आपने क्या करना है कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल करना है एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री में एस एंड पी ब्लॉक करना है एट एंड नाइन्थ जुलाई को आपने केमिस्ट्री में वापस से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला टॉपिक करना है और साथ ही साथ दो टॉपिक्स करने हैं फिजिक्स में एक करना है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स और एक स्टार्ट कर देना है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका टेंथ जुलाई तक जाएगा और टेंथ जुलाई को इसे कंप्लीट करने के साथ साथ आपने बायो में वेरिएशन एंड जेनेटिक्स वाला स्टार्ट करना है जो कि इलेवन जुलाई तक जाएगा और इलेवन जुलाई तक जब आपका वेरिएशन एंड जेनेटिक्स कम्प्लीट होगा तो साथ ही साथ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देनी है एंड ट्वेल्थ जुलाई को आपने हाइड्रोकार्बन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट कर देना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टॉपिक है वो सिंध की बुक में एक ही चैप्टर में है तो आपने ये एक जो टॉपिक है इसको दो दिन में डिवाइड कर देना है ट्वेल्थ जुलाई को आपने हाइड्रोकार्बन करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक करना है एंड थर्टीन जुलाई को आपने स्टार्ट कर देना है बायो एनर्जेटिक्स और साथ ही साथ कंप्लीट कर लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को तो इस वाले चैप्टर को भी टू डेज़ मिल गए इस वाले चैप्टर को भी टू डेज़ मिल गए और इसे भी तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना उनको मैंने टू टू डेज़ में डिवाइड कर दिया और साथ में आपके इसी के साथ साथ आ, कुछ और भी टॉपिक्स रख दिए जैसे कि बायो एंड केमिस्ट्री के बायो अनर्जेटिक्स आप थर्टीन जुलाई को स्टार्ट करेंगे और ये कंप्लीट होगा फोर्टीन जुलाई को इसके साथ ही आप थर्टीन जुलाई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट करेंगे एंड फोटीन जुलाई को जब बायो अनर्जेटिक्स कम्प्लीट हो जाएगा तो आप स्टार्ट कर देंगे अल्काइल हेलाइट वाला टॉपिक तो फोर्टीन को अल्काइल हेलाइट ख़त्म फिफ्टीन जुलाई को आप अल्कोहल एंड फिनोल वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक बहुत ही छोटा और बहुत आसान टॉपिक होता है लेकिन फिर भी मैंने इसको तीन डेज में डिवाइड कर दिया है आप क्या करेंगे आप आपका अगर ये दो या एक दिन में कंप्लीट हो जाता है तो इन दोनों चैप्टर्स की जगह इन दोनों जो आपकी स्पेस होगी फिजिक्स में आप इसकी जगह फिजिक्स का कोई और टॉपिक जो आपका रहता होगा उसे कम्प्लीट कर सकते हैं इसके साथ साथ सिक्सटीन जुलाई को आपने क्या करना होगा अब आपकी जो बायो है वो पहले कम्प्लीट हो चुकी है बायो एनर्जेटिक्स तक अब आप रिविजन करेंगे इसकी बायो की सेकेंड रीड देंगे बायो को और यहाँ से सिक्सटीन जुलाई से आप इन्ज़ाइम वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बायो का रिविजन और हर दिन आप एक एक चैप्टर पढ़ा करेंगे सिक्सटीन जुलाई को आप एनजाम वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसी के साथ साथ एल एंड कीटोन वाला टॉपिक करेंगे और आपको फिजिक्स में जो करना हुआ आप वो करना या इलेक्ट्रॉनिक्स रहता हुआ तो उसे कंप्लीट कर लेना फिर उसके बाद सेवनटीन जुलाई को आप सेल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ेंगे एंड सेवनटीन जुलाई को ही आप कार्बोक्जिलिक एसिड वाला पढ़ेंगे तो ये वाले जो तीन टॉपिक है एल्कोहल फिनोल अल्डीहाइड कीटोन एंड एसिड ये आपके तीन दिन में कम्प्लीट हो जाएंगे फिर इसके बाद एटीन जुलाई में आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे मैक्रो माइक्रोमोलिक्यूल्स आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे एंड फिजिक्स के आपके फिर तीन चैप्टर ले जाएंगे और यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट ठीक है और फिर आप 19 को क्या करेंगे बायोडाइवर्सिटी करेंगे 20 को आप प्रोकैरियोट्स करेंगे और यही जो 21 तक के जो डेज़ होंगे इसमें आपका केमिस्ट्री का जो भी प्रीवियस वर्क रहता होगा आप उसे कंप्लीट करेंगे और 19, 20 एंड 21 को आप फिज़िक्स के भी तीन टॉपिक्स कम्प्लीट करेंगे जो कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स एटामिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फ़िजिक्स हैं ये आपके आ जाएंगे नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी में ठीक है इसके बाद आपके पास रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा अब आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे बायो का तो हम वैसे ही रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया और यहाँ पर फिज़िक्स भी कंप्लीट हो जाएगा 21 जुलाई तक इन आप लोगों का ये सब कंप्लीट होगा देन 22 जुलाई से आपने क्या करना होगा बायो का तो रिविज़न चल रहा था फिर आप करेंगे केमिस्ट्री का रिविज़न स्टार्ट और बायो में आप करेंगे गैस एंड न्यूट्रिशन और बायो में आप करेंगे गैस एंड न्यूट्रिशन 22 जुलाई को एंड सॉलिड लिक्विड एंड गैस को अगेन आप टू डेज देंगे 22 एंड 23 तक आप सॉलिड लिक्विड एंड गैस को कंप्लीट करेंगे और 23 जुलाई को आप ट्रांसपोर्ट भी करेंगे तो पहले आपने इन तीनों टॉपिक्स को तीन दिन में कवर किया था अब आप इन तीनों टॉपिक्स को गैस न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट को दो दिन में कम्प्लीट करेंगे फिर उसके बाद ट्वेंटी जुलाई को आप स्टार्ट कर देंगे फोर्स एंड मोशन बल्कि ट्वेंटी जुलाई को ही इसे कम्प्लीट करना होगा पहले आपको मैंने इसके टू डेज़ दिए थे ठीक है अब आपने 24 जुलाई को बगैर कुछ और किए बायोकेमिस्ट्री को छोड़कर फोर्स एंड मोशन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन ये दोनों टॉपिक्स ये दरअसल अगर जब आप करने बैठते हैं ना तो पूरा तकरीबन सेम सेम ही होता है आपने 24 जुलाई को ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं फिजिक्स का रिवीजन आप किस तरीके से करेंगे आपने वापस से लेक्चर्स नहीं लेने होंगे बल्कि जो आपने नोट्स बनाए होंगे या जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन की होगी उसे थॉरली आपने पढ़ना होगा और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने इस टॉपिक के एम सी को करने होंगे यानी कि ट्वेंटी फोर्थ जुलाई को आपने फोर्स एंड मोशन एंड रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एम सी को करने होंगे फिर ट्वेंटी फाइव जुलाई को आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग ये दो चैप्टर कंप्लीट करने हैं और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि आप उनके जो नोट्स आपने बनाए होंगे उन्हें थॉरली पढ़ा करेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद आप उसके एम सी को किया करेंगे ये होगा आपका रिविजन और ट्वेंटी सिक्स जुलाई को आप आ जाएंगे एवोल्यूशन चैप्टर पर एंड वर्क एंड एनर्जी वाला भी करना होगा इसके भी आपने की करने होंगे नेक्स्ट आ जाते ट्वेंटी सेवन जुलाई में ट्वेंटी सेवन जुलाई में आपने केमिस्ट्री में करना है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो के है इसके बाद आपने वेव्स वाला टॉपिक करना है फिजिक्स में जो कि टू डेज पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया टू जो कि इसके बाद आपने वेव्स वाला टॉपिक करना है फिज़िक्स में जिसे मैंने टू डेज़ में डिवाइड कर दिया है फिर उसके बाद ये टू डेज़ में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसके एम सी क्य ज़्यादा होते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए ट्वेंटी एट तक आप इसके एम सी यूज़ वगैरह कम्प्लीट करेंगे और भी अगर कुछ आपका रहता होगा तो आप इन दिन में ट्वेंटी एट जुलाई तक कम्प्लीट कर सकते हो फिर ट्वेंटी नाइन जुलाई को आप कर लेंगे रिप्रोडक्शन और इसके साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा बायो में आपने सेम यही काम करना होगा आपने रीडिंग करनी होगी लेक्चर्स तो अब आप समझ चुके हैं अब आपने रीडिंग करनी है रीडिंग के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एम सी क्यू करने हैं और फिर इसके बाद थर्टी जुलाई को आपने थर्टी एंड थर्टी वन जुलाई को आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट करना है और साथ ही साथ देखें 30 जुलाई में मैंने और ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रीवियस टॉपिक रहता है आप उसे कंप्लीट करो जहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा गैप दे दिया इसका मतलब है आप प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीट करें 31 जुलाई तक आपका सपोर्ट एंड मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा और 31 को ही आपका रिएक्शन काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन काइनेटिक्स स्टार्ट होगा साथ ही साथ आपने थर्मो भी स्टार्ट करना है थर्मो को आपने टू डेज देने हैं रिएक्शन काइनेटिक्स आपका थर्टी को ख़त्म होगा और फर्स्ट अगस्ट को आपने थर्मोकेमिस्ट्री करना है ये आपको पढ़ना तो आता ही होगा सारा टाइम टेबल लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि हमने करना किस तरीके से इस दिन हमने करना क्या क्या होगा तभी मैं आपको सारा कुछ गाइड कर रही हूँ फिर आपने टू एंड थ्री अगस्त को आपने कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल करना है साथ ही साथ आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रो स्टेटिक्स करना है देखिए दो दिन में आपने तीन टॉपिक करने हैं फिर फोर एंड फाइव अगस्त को आपने करना है वेरिएशन इन जेनेटिक्स और इसी के साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर फाइव अगस्त को ही आपने एस एन पी ब्लॉक भी करना है आप चाहे तो फोर को ही आप एस एंड पी ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा आप ऐसे माइंड में भी रख सकते हैं कि आपके पास टू डेज है फोर एंड फाइव अगस्त जैसे आपके पास टू डेज़ है एंड तीन तीन आपके पास टॉपिक है तो आप क्या कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं एक दिन में आप बायो पढ़ लें और साथ साथ केमिस्ट्री कर लें अगले दिन आप फिज़िक्स कर लें या जैसे आपको सही लगे फिर आ जाते हैं सिक्स अगस्त में आपने डी ब्लॉक करना है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आपको सेवन तक इसको भी मैंने फिर से टू डेज दे दिया है यानी कि सिक्स को स्टार्ट होगा और सेवन को कम्प्लीट <laughs> फिर उसके बाद सेवन अगस्त को आप बायो एनर्जेटिक्स करेंगे और एट अगस्त को आप क्या करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ये वाले दोनों टॉपिक करेंगे ठीक है फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर नाइन अगस्त को आपने हाइड्रोकार्बन का टॉपिक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स करना है टेन को आपने किंगडम एनिमेलिया के जो जो आपने फ़ाइला वगैरह के चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे उन्हें रिवीजन करना है उनके एम सी यूज़ करने हैं अल्काइल हेलाइट के एम यूज़ करने हैं फिर एलेवन अगस्त को आपने ये जो टॉपिक्स आपने पहले तीन दिन लगा के किए थे वो अब एक दिन में करने होंगे जो तीन दिन लगा के आपने अल्कोहल फिनॉल अल्डीहाइड कीटोन एसिड किया था अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में इनके जो नोट्स बनाए होंगे इन्हें थॉरली पढ़ने के बाद इनके एम सी यूज़ करने ठीक है फिर ट्वेल्व अगस्त को आपने मैक्रो करना है और इसको मैंने दो दिन में डिवाइड कर दिया है मैक्रो वगैरह और एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिज़िक्स भी करना है तो बायो का रिविजन यहाँ पर जाकर फिर से कम्प्लीट हुआ केमिस्ट्री भी कम्प्लीट, केमिस्ट्री भी कम्प्लीट हो गया एंड फ़िज़िक्स भी कम्प्लीट हो गया अब आपके पास टू डेज़ एक्स्ट्रा होंगे फोर्टीन एंड फिफ्टीन ऑगस्ट का आप चाहें तो आपके पास जितने भी पिछला रहता होगा जो भी टॉपिक रहता होगा प्रीवियस टॉपिक आप उसे कम्प्लीट कर लें और ट्वेंटी ऑगस्ट तक आपकी एक लास्ट डेड होनी चाहिए कि आप इधर तक अपने सारे टॉपिक स कंप्लीट कर लो ये फाइव डेज मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं जिसमें आप अपनी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को भी कवर कर सकते हो तो ट्वेंटी ऑगस्ट जो आपकी है वो डेड है आपने इस ट्वेंटी अगस्त तक अपना प्रीवियस जितना कुछ भी है इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ कम्प्लीट करना है टू टाइम्स आपका बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में कम्प्लीट हो जाएगा फिर जो बचते हैं रिमेनिंग डेज ट्वेंटी वन से ट्वेंटी सिक्स तक उसमें आपने रिविजन करना है चाहे तो आप रिविजन करें चाहे तो आप सबके एम सी क्यूज करें ये आप पर डिपेंड करता है अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं तो आप एम करें मेरे टाइम में ये हुआ था कि मैंने एम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुकी थी लेकिन मैं चाहती थी कि मैं रिविज़न करूँ तो मैंने हर सब्जेक्ट को यानी कि के बायो केमेस्ट्री एंड फिज़िक्स को टू टू डेज़ में पूरा पूरा रिविज़न कर लिया था जितने मैंने नोट्स बनाए थे और इसके अलावा जो टॉपिक मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रहा उसे कंप्लीट कर लिया था और जो बायो था उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो मार्किंग की थी उन्हें पढ़ लिया था और समझ लिया था क्योंकि जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर मैं थोड़ी सी वीक थी उन्हें मैंने थॉरली पढ़ लिया था तो इस तरीके से आपका ट्वेंटी सिक्स डेट तक थ्री टाइम्स रिविजन हो जाएगा थ्री रीड्स आप दे देंगे अपने सिलेबस को और बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इन आपका सेवन अगस्त को आपका एम का एग्जाम होगा अभी तक तो यही एक्सपेक्टेड डेट है हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ जाए लेकिन आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी यही आपकी डेडलाइन है आपने इस डेट तक अपना सब कुछ कंप्लीट करनी ताकि अगर फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये डेट आगे एक्सटेंड भी होगी तो आगे वैसे अच्छा खासा टाइम होगा आप इसे और अच्छे से पढ़ सकेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो नाउ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑलसो थैंक्स फॉर वॉचिंग